हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। स्नैप 2020 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है एंड इस साल पेपर में बहुत सारे चेंजेस हैं। आप मल्टीपल अटेम्प्ट कर सकते हो, इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, इसके एक्सेप्ट कौन कौन से टॉप स्नैप कॉलेजेस है जो आपको टारगेट करने चाहिए एंड पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो के नोट्स बना लेना ताकि स्नैप रिलेटेड सारी की सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो जाए। सो माय नेम इज सौरभ कोठारी, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे एमबीए रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। एंड इंस्टाग्राम पे हमारा चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे कैट रिविजन सीरीज चल रही है जिसमें क्वांट, एलआरडीआई, वर्बल, जीके के नोट्स आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा पेनड्राइव कोर्स भी बाय कर सकते हो studybus.co.in से। क्वांट, वर्बल, एलआरडीआई, जीके का आप इंडिविजुअली कोर्स भी ले सकते हो, अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। इस पेनड्राइव कोर्स में सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलते हैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एंड इसके साथ ही आपको मिलता है आपका पर्सनलाइज पोर्टल जहां पे आप अपना स्टडी प्लानर बना सकते हो एंड टॉपिक वाइज टेस्ट वहां पे अवेलेबल होते हैं। इसके साथ ही जो ऑल ओवर इंडिया की नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज है वो भी आपको प्रोवाइड की जाती है। मतलब इस पेनड्राइव कोर्स पर ना ही आपको कोई अलग से कोचिंग चाहिए, ना कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, फुल फ्लेज्ड आपका ये प्रिपरेशन प्लान है। आपको अगर देखने कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे तो यहाँ पे मेंशनड है एंड स्टडी प्लानर के क्या फीचर्स, आप डेट सेट करते हो कब तक आप सिलेबस करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग आपके गोल्स ऑफ द डे जनरेट होते हैं, उसमें आप अपने डेली गोल्स को अचीव करते हो, आपका एफर्ट लेवल चेंज होता रहता है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप टैग कर सकते हो। तो अगर आप परचेज करना चाहते हो तो हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो 9958937705 पर, यहाँ पे आपको सारी डिटेल शेयर कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हुआ है 24 सितंबर 2020 को और कब क्लोज हो रहा है 28 नवंबर। तो मतलब आपके पास अप्रोक्सीमेट 1 मंथ की विंडो है जिसमें आप स्नैप का फॉर्म फिल कर सकते हो। अब जो स्नैप का एग्जाम है इस बार 3 बार हो रहा है जिसमें से आप 2 बार इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो। 20 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है, 6 जनवरी को एग्जाम हो रहा है एंड 9 जनवरी को एग्जाम हो रहा है। जो एग्जाम का टाइम है वो 1 आवर है, मतलब 11 से 12 नून आपका एग्जाम होने वाला है। जो आपका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपका 22 जनवरी को आ जाएगा। अब हम बात करें एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या है जो बिल्कुल चेंज हो गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। तो इस बार आपके 3 सेक्शंस रहने वाले हैं। एक है जनरल इंग्लिश जिसमें आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी, ये 3 सेक्शंस रहेंगे। देन आपका रहेगा एनालिटिक एंड लॉजिकल रीजनिंग जिसमें आपका एलआरडीआई का सेक्शन रहेगा। देन आपका थर्ड सेक्शन रहेगा क्वांट एंड डीआई जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 होंगे। तो अगर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने हैं इंग्लिश में 15, एलआर के 25 एंड क्वांट के 20 क्वेश्चन, तो टोटल आपके सामने 60 क्वेश्चंस होंगे। हर करेक्ट आंसर का आपको 1 मार्क मिलेगा एंड आपके जो टोटल मार्क्स है वो 60 मार्क्स का पेपर है। तो लास्ट ईयर जैसे आपके स्पेशल क्वेश्चंस होते थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते थे, टाइम ज्यादा होता था, ये सब हट चुका है। आपका पेपर 1 आवर का है, मतलब 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चन करने एंड मैक्सिमम मार्क्स आपके 60 है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, आपको जो एग्जाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा 60 मिनट्स का। जो टाइम स्लॉट है आपका 11 to 12 नून ही रहेगा। 3 डेट्स आपके पास अवेलेबल हैं, 20 दिसंबर, 6 जनवरी एंड 9 जनवरी, जिसमें से आप 2 बार टेस्ट के लिए अपियर कर सकते हो। तो आप चाहो तो 20th एंड 6th को दे सकते हो, 6th और 9th को दे सकते हो, 20th और 9th को दे सकते हो, जो भी आपको कॉम्बिनेशन अच्छा लगे वैसे आप इस एग्जाम को अपियर कर सकते हो। पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब आपके सामने 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको एक सही आंसर टिक करना होगा। एवरी रॉन्ग आंसर विल हैव 25% नेगेटिव मार्क्स। तो अगर आपको सही आंसर देने का 1 मार्क मिलेगा तो अगर आप गलत दोगे तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, ठीक है। एंड ये सारी की सारी डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप 2 बार इस पेपर के लिए अपियर कर सकते हो एंड आपका टाइम स्लॉट सेम है, तो जो जो चीजें आपको फॉलो करनी है वो फॉलो क्या क्या चीजें करनी है, आप जैसे ही स्नैप की वेबसाइट पे जाओगे वहां पे आपको ऑप्शन दिखेगा रजिस्टर नाउ, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपके सामने ये सारी चीजें स्टेप फॉलो करने, आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको रीड कर लेने हैं, आपको उसके बाद जो भी डिटेल्स मांगेंगे वो सारी फिल करनी है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपके मोबाइल पे एक ओटीपी भेजा जाएगा एंड ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा ताकि वो वेरीफाई हो सके। वेरीफाई होने के बाद आप अपने पोर्टल पर लॉगिन करोगे, वहां पे आप सारी डिटेल्स डालोगे, एकेडमिक डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स,
एंड आपका स्नैप आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो इसको कहीं लिख लेना बहुत ध्यान से, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि भाई हम लोग लिखते नहीं है, कहीं पे नोट्स नहीं बनाते, सोचते हैं फोन में तो रहेगा मैसेज, कहीं फोन करप्ट हो जाए, लैपटॉप करप्ट हो जाए तो डेटा डिलीट हो जाता है, वो डेटा खो जाता है। तो एक नोटबुक में लिख लेना, सो दैट आपके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रेडी रहे, क्योंकि यहीं पे लॉग इन करके आपको रिजल्ट भी मिलेगा। इसके बाद जो स्नैप की रजिस्ट्रेशन फी है वो आपको पे करनी है 1750 पर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो अगर आप एक बार टेस्ट देना चाहते हो तो आपको 1750 पे करना है। एंड अगर आपको लगता है जो आपने पहले टेस्ट दिया था उसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ, आप और बेटर कर सकते थे, तो आपको भाई 1750 पे करना है। और तो हर बार टेस्ट देने के आपको 1750 रुपीज पे करने, तो अगर आप दो बार देना चाहते हो तो दो बार आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्नैप के जितने भी कॉलेजेस हैं जो इसका स्कोर एक्सेप्ट करते हैं उन सबका भी आपको इंडिविजुअली फॉर्म भरना है, उन सबका भी इंडिविजुअली कॉलेज भरना है आपको। एंड यहाँ पे आपको दे रखा है ₹1000 पर प्रोग्राम पर इंस्टीट्यूट। तो अगर आपको पता है भाई मुझे SIBM पुणे टारगेट करना है, अब वहां पे 2-3 MBA होती है, SCHM RD में आपको जाना है, वहां का अलग फॉर्म भरना है, तो हर प्रोग्राम के ₹1000 आपको पे करने हैं, क्योंकि चाहे आपके स्नैप पे 99% आ जाए, आपने अगर कॉलेज का फॉर्म इंडिविजुअली नहीं भरा है तो वो कॉलेज आपको कॉल नहीं करेगा। तो अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर ₹1000 पर प्रोग्राम अगर हमें टारगेट करने हैं तो कौन कौन से ऐसे स्नैप के कॉलेजेस हैं जो हमें टारगेट करने चाहिए। तो अगर मैं आपसे बात करूं जो टॉप 4 इंस्टीट्यूट है मेरे अकॉर्डिंग, वो है आपका SIBM पुणे, SCHM RD पुणे, SIBM बेंगलोर एंड SIIB पुणे। तो ये चारों कॉलेज अच्छे हैं। अगर इनके कट ऑफ की बात करें तो भाई आप ये मान के चलो 97 के आसपास, 96-97 के आसपास SCHM RD की कट ऑफ रहती है, और SIBM बेंगलोर और SIIB पुणे की भाई 90% के आसपास आपकी कट ऑफ रहती है। तो ये भाई आपका कट ऑफ रहता है यहाँ पे। ये चार टॉप कॉलेजेस है जिनको आप टारगेट कर सकते हो। SIBM इनका वन ऑफ द फ्लैगशिप कॉलेज है। SCHM RD की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज HR का पूरे इंडिया में माना जाता है। अब क्वेश्चन निकल के आता है, सर इसके अलावा अगर हमें कोई और कॉलेज भी टारगेट करना है तो क्या कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको मैं सारे कॉलेजेस दिखा देता हूं जो स्नैप का स्कोर एक्सेप्ट करेंगे। तो SIBM पुणे, उसमें इनका एक प्रोग्राम है MBA, एक है MBA इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड एक आपका MBA लीडरशिप एंड स्ट्रेटजी। तो जो मेन प्रोग्राम है MBA, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद अगर हम SCHM RD की बात करें तो अगेन जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है MBA, वो आपको अप्लाई करना है, दैट इज अ गुड कोर्स। SIIB की बात करें तो MBA इन इंटरनेशनल बिजनेस आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे SIBM बेंगलोर, तो SIBM बेंगलोर का भी जो मेन कोर्स है MBA, ये आप अप्लाई कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में MBA करनी है तो उसके लिए आपके पास अलग अलग कॉलेज है। जैसे अगर आप IT में जाना चाहते हो तो आप भाई SICR भी देख सकते हो। उसके बाद आपको मान लो फॉर एग्जांपल ऑपरेशन मैनेजमेंट जाना है तो SIOM इनका कॉलेज है जो ठीक ठाक है। उसके बाद अगर आपको हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में जाना है तो SIHS इनका कॉलेज है। आपको बैंकिंग एंड फाइनेंस में जाना है तो सिम्बॉयसिस स्कूल ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। आपको स्पोर्ट्स में MBA करना है तो इनका कॉलेज है सिम्बॉयसिस स्कूल ऑफ स्पोर्ट्स साइंसेस, ये आप ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, ये बात ध्यान रखना जो इनके फ्लैगशिप कोर्सेज है, जो फ्लैगशिप प्लेसमेंट्स है, वो उन्हीं चार कॉलेजेस से जो मैंने आपको बताया था। बाकी कॉलेजेस के बारे में भाई उनकी कॉलेज की वेबसाइट पर जाके उनका डेटा रीड करना, उनकी प्लेसमेंट्स कैसी है, कौन कौन सी कंपनीज आती हैं, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। तो यहाँ पे ध्यान रखना हर प्रोग्राम का, हर कॉलेज का आपको ₹1000 पे करना है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुली रिसर्च करना पड़ेगा ताकि आप सही कॉलेजेस में मिनिमम कॉस्ट में अप्लाई कर पाओ। तो ये भाई मेरी तरफ से सारी की सारी डिटेल थी सिम्बॉयसिस से रिलेटेड। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। एग्जाम फॉर्म भर सकते हो आप, फॉर्म आ चुका है, 2-4 दिन वेट करके भी भर सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह कलेक्ट करके, एंड अपने आप को बिल्कुल शॉर्ट रख के रिसर्च करके कौन कौन से कॉलेज में अप्लाई करना है वो भी आप देख लो, एंड देन आप पूरा का पूरा प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।